हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू क्लास सिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। आज हम लोग का नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में वर्क क्या है हमारा, अलजेब्रा का परिचय क्या है। जैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वैसे ही हमारी जो मैथ का अलजेब्रा है ये भी एक अलजेब्रा एक मैथ है, जिसे हम हिंदी में बीज गणित कहते हैं। इसका भी एक जीवन परिचय है, इसका भी एक परिचय है। तो देखिए क्या अलजेब्रा जी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की शाखा है, गणित की एक क्या शाखा है। देयर सब्स्टिट्यूट्स लेटर्स फॉर नंबर्स, और इसमें क्या क्या यूज होता है, लेटर्स यूज होते हैं और नंबर्स यूज होते हैं। नंबर तो आप लोग जानते हैं हमारे 1 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जो भी नंबर है वो नंबर है। काउंटिंग नंबर हम उन्हें कहें, या उन्हें नेचुरल नंबर कहें, या फिर हम उन्हें होल नंबर कहें। और हमारा लेटर्स क्या, हमारे जो अल्फाबेट हैं, यानी जो हमारी ए से लेकर जेड तक की ABCD अल्फाबेट्स हैं, उसके लेटर्स और नंबर्स हमारे अलजेब्रा के सब्स्टिट्यूट हैं। इसमें दो चीजें हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट में तो हमारे से नंबर आ जाते हैं, जैसे 1 है 2 है या 3/5। फ्रैक्शन में बात करें या नंबर में बात करें, इंटीजर्स में बात करने है ना। वेरिएबल में हमारे A to Z लेटर्स आते हैं, क्या आते हैं, A to Z लेटर्स आते हैं, ये हमारे क्या कराते हैं, वेरिएबल्स कराते हैं। क्या कराते हैं, वेरिएबल्स। अब इसे हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चार चीजें यूज होती हैं, चार साइन यूज होते हैं, उन्हीं पे ही वर्क होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, चार चीजें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार साइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। इन्हीं से ही पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व होती है। इन चार साइनों का यूज जरूर आपको मिलेगा, कहीं आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा, कहीं आपको डिवाइड मिलेगा, कहीं आपको माइनस मिलेगा, कहीं आपको प्लस मिलेगा। अब राइटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये कि जो हमने चार साइन आपको दिए, एक इसमें पांचवा साइन यूज होता है इक्वल का। क्या यूज होता है, इक्वल, इसका भी यूज होता है। ये तब आपको यूज करने को मिलेगा जब आपको एक एक लैंग्वेज दी गई होगी और उसे आपको वर्बल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एडिशन हमने लिखा है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, डिवीजन लिखा और इक्वल लिखा हुआ है। वहां पर स्पेस कम था इसलिए हमने इसका साइन यूज कर दिया इक्वल। अब देखिए आप कैसे कोई लैंग्वेज दी जाए और आप कैसे जानेंगे, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे आप कैसे जानेंगे, वो आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो किसके में क्या आप साइन यूज करेंगे, कहाँ आप प्लस लगाएंगे, कहाँ आप साइन माइनस लगाएंगे, कहाँ डिवाइड साइन लगाएंगे, कहाँ आप मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, है ना, और कहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने ले रखे हैं जिनसे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको प्लस का साइन यूज करना है, आपको माइनस का साइन यूज करना है, आपको इक्वल का साइन यूज करना है, आपको डिवाइड का साइन यूज करना है ना। तो हमने क्या लिखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और इक्वल। मैंने एक चार्ट बना दिया है, चार्ट पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए एडिशन में कैसे हमें पता चलता है कि इस वर्ड पे हमें ऐड ही करना है, हमें प्लस ही यूज करना है। इसे इंक्रीज का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, कहीं पर इंक्रीज होता तो ग्रोथ हो रही होती है ना। हम लोग की लंबाई पे हम लोग आ जाए अपनी, तो इंक्रीज होता है, लोग कहते हैं अरे तुम तो इतने छोटे थे अब इतने बड़े हो गए, यानी आपने अपनी लंबाई पे ग्रोथ कर ली, यानी वहां पर आपका जो बॉडी है वो बड़ी हुई। तो क्या हुआ, पहले छोटी बॉडी थी फिर उसमें थोड़ी बड़ी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी प्लस साइन आ गया। फिर मोर देन ज्यादा के लिए प्लस साइन, फिर सम आप जानते हैं प्लस, और प्लस को तो प्लस लिख दिया ये तो आप जानते हैं। फिर एडेड टू एड, एड भी आजकल इसमें जाने लगे हैं क्योंकि हमारे जब से मैथ और ये सब इंग्लिश में आ गया है तब से एड हमारे स्टूडेंट जानने लगे हैं। टोटल ऑफ, ये टोटल तो बचपन से जानने लगे, कहानियां सुनी होंगी, टोटल कहानी में आ जाता है, टोटल टोटल तो एक नॉर्मल सा वर्ड है। टुगेदर, टुगेदर ये प्रपोजिशन में आता है, साथ साथ है, लेकिन टुगेदर का मतलब एडिशन का वर्क होता है, यानी टुगेदर कंबाइंड अगर कहीं मिल जाए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। आपको इस पे बड़ा गौर करना पड़ेगा, टुगेदर कंबाइंड पे गौर करना पड़ेगा। बाकी वर्ड तो आपके पढ़े हुए हैं लेकिन टुगेदर कंबाइंड आपका नहीं पढ़ा होगा या आपको आपके दिमाग में ना आ रहा हो, तो टुगेदर कंबाइंड अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वेशन कहीं लिखा मिल जाए तो आप वहां पर प्लस साइन यूज कीजिएगा। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, डिक्रीज कमी होना,
डिग्रीज का नाम आप लोगों ने सुना ही है, लेस देन का भी नाम आपने सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि जब आपको दो रेशनल नंबर दिए जाते थे तो उसमें आपसे कहा जाता था कि साइन यूज कीजिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो लेस देन आपके दिमाग में आ चुका है कि लेस देन अगर कहीं दिखे तो आप माइनस साइन यूज करेंगे। फिर डिफरेंस के बारे में भी आप जानते हैं, तुलना करना, वहां पर माइनस साइन यानी एक ज्यादा होगा तो दूसरा जरूर कम होगा, तो वहां क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। फिर माइनस का तो नाम आपने बहुत पहले से सुना है, जानते भी होंगे माइनस को। सब्ट्रैक्टर फॉर्म को भी आप जानते हैं और रिमेन फीवर देन को नहीं आप जानते हैं, तो इस पे आपको बड़ा गौर करना है कि जो रिमेन फीवर है इस ये आपका अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए तो आप वहां पर माइनस साइन यूज कीजिएगा, रिमेन फीवर देन। अच्छा, रिमेन मीन्स क्या होता है? बचा हुआ होता है। और फीवर मीन्स जानते हैं क्या होता है? फीवर मीन्स भी होता है कमी। फीवर मीन्स क्या होता है? कमी। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लाई में। ऑफ के बारे में आप जानते हैं, टाइम्स के बारे में भी आप जानते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर टू टाइम्स लिखा होता है तो हम लोग वहां पर उसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाई भी आप जानते हैं और प्रोडक्ट भी आप जानते हैं। फिर हम लोग डिविजन की बात करते हैं, पर आपको कहीं मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि डिवाइड हो रहा है, लेकिन कट ऑफ आप नहीं जानते हैं। तो कट ऑफ अगर कहीं मिल जाता है तो वहां पर भी डिवाइड हो रहा है, वहां पर भी क्या हो रहा है, डिवाइड। जैसे आपकी एरिया की लाइन को काटा गया, दूसरी एरिया में उस लाइन को भेज दिया गया, तो क्या हुआ, आपकी एरिया की लाइट कट कर दी गई, मतलब जो एनर्जी दी जाती थी, जो लाइट दी जा रही थी वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी गई, यानी कमी कर दी गई, और कमी मतलब डिवाइडेशन कर दिया गया। उसके बाद रेशियो, आपने रेशियो वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, रेशियो का सिंबल तो आप लोग जानते होंगे ना, रेशियो का सिंबल ये होता है कॉलन जिसे कहते हैं, है ना, कॉलन जिसे कहते हैं। और उसके बाद रेशियो आप कहीं आपको मिल जाए तो आपको डिवाइड का सिंबल यूज करना है, क्यूसेंट ऑफ मिल जाए तो आपको डिवाइड का सिंबल यूज करना है। क्यूसेंट ऑफ तो आप जानते हैं कि जो डिवाइड में आता नॉर्मल में। अब हम इक्वल की बात करते हैं, कहीं पर आपको इज लिखा मिल जाए, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है, आप और कहीं पूरी मैथ की बात नहीं हो रही है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इसलिए पर्सनल लिखा गया, राइटिंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इज अगर कहीं आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा मिल जाए तो वहां आपको इक्वल लगाना, आर लिखा मिल जाए तो इक्वल लगाना, वाज है, वर है, विल बी है, गिव्स है, यील्ड है, यील्ड नया वर्ड आया है, इसका मीन्स भी इक्वल होता है। ठीक है, यील्ड, यील्ड वर्ड जो नया आया है इसका वर्ड मीन्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थी हमारी एक इंडेक्स थी। अब हम लोग अलजेब्रिक टर्म के बारे में बात करते हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस आर माइनस साइन होते हैं। अब देखिए, हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप लोग जानते होंगे ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं थोड़ा सा दिखा देते हैं, एग्जाम्पल देख लिए जाएंगे। देखिए, आपको जैसे दे दिया गया 6 times x लिखा हुआ है ना, 6 times x लिखा है। अब टाइम्स कहीं लिखा मिल जाएगा तो क्या साइन यूज होगा, मल्टीप्लाई, अभी हमने पढ़ा है चार्ट में, तो 6 multiply x आपका क्या आ गया, 6x आ गया, नहीं आ गया। फिर अगर आपको कहीं ये मिल जाए 6 less than x लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, 6 less than x ये लिखा मिल जाए, तो लेस देन कहाँ पर है, लेस देन सब्टेक पे है, तो आप क्या लिखोगे, 6 minus x, ये आपका कंप्यूट हो गया। अब अगर आपको ये लिखा मिल जाए x/2, आपको लिखा ये, अगर ये मिल जाए हाफ ऑफ x, तो हाफ कहाँ यूज हो रहा है, हाफ, हाफ जो यूज हो रहा है, अच्छा हाफ रह गया तो हाफ भी मैं लिख देता हूँ, हाफ अगर कहीं आपको मिल जाएगा तो वहां पर भी आपका डिवाइड साइन ही यूज होगा, तो आपका क्या आ गया 1/2 ऑफ की जगह, ऑफ किस में यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो इनटू x आपका क्या आ गया 1/2x, या आप ये भी लिख सकते हैं x/2। फिर उसके बाद अगर आपसे क्या दिया जाए कि नेक्स्ट में लेते हैं, हाँ, आपसे अगर ये कह दिया जाए 4 is added to b, ये कह दिया जाए 4 is added to b, ये लिख दिया जाए, तो मतलब क्या, 4 को b में ऐड कर दो, तो 4 plus b। तो ये थे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ क्वेश्चन। आपको चार्ट अगर क्लियर होगा तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चनों में इस टाइम कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, कंप्लीट करें एक्सरसाइज, और अगर एनी प्रॉब्लम तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।